गुरुग्राम में इस बार भी हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि विभाग के स्पेशल ग्रीवेंस की बैठक की, क्योंकि अभी तक ग्रीवेंस की बैठक में तमाम विभागों से जुड़ी शिकायतों को एक साथ सुना जाता था, लेकिन इस बार भी नगर निगम से जुड़ी तमाम शिकायतों को अलग अलग से सुना गया। कुल मिलाकर आज की ग्रीवेंस की मीटिंग की अगर हम बात करें तो 18 शिकायतों को इस ग्रीवेंस की कमेटी में रखा गया था। तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे थे। बैठक में तकरीबन आधे से ज्यादा यानी 11 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। आज गुड़गांव जिला कृषि निर्माण समिति की मीटिंग हुई, इसमें 18 परिवार थे जिनमें से 9 पुराने थे, 9 नए ऐड किए गए थे, उनमें से लगभग 11 का हमने समाधान कर दिया है और 7 परिवार को पेंडिंग रख के अगली मीटिंग में टाइम बाउंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके अंदर हमने गाइडलाइन दी है कि अगली मीटिंग से पहले क्या क्या कार्रवाई उनको करनी है। और मकसद हमारा यही है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो शिकायतें हैं, उसको अधिकारी पारदर्शी तरीके से, जो डेमोक्रेसी में हर जनता का हक होता है, उसको सुनवाई करें, लागू करें। और इसी तरह से हम इनको अधिकारियों को निर्देश दिया है। फिर इन दोनों मीटिंग के बीच में हमने MCG के अलग से मीटिंग भी की थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए समस्याएँ हैं। तो इस तरह से हम काम करके कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यवस्था ऐसी खड़ी हो जहां बगैर किसी के इंटरवेंशन के, बगैर किसी की सिफारिश के, जो जनता का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसको घर बैठे मिले। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। शिकायतें अलग अलग थी, कुछ पुलिस की थी, कुछ हुडा की थी, कुछ म्यूनसिपल कमिश्नर की थी, इस तरह की शिकायतें थी, कुछ प्लॉट अलॉटमेंट की थी, कोई व्यक्तिगत झगड़े थे। तो यहाँ पर तो हर तरह की समस्या आ जाती है और उसका हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये यहाँ पर जो शिकायत आती है उसका जो समाधान लेके आते हैं, उसका जवाब दे जाते हैं, बाकायदा कोशिश करते हैं कि हर समस्या का समाधान हो। या पेंडिंग रखे तो हम ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर को रिपोर्ट करते हैं कि उसको साथ लें, जनता की सुनवाई करें, जनप्रतिनिधि वहाँ के हों, RWA हो, उनको साथ लें और पारदर्शी तरीके से काम। जो शिकायतें आती हैं उसके अंदर स्पेसिफिक हम डायरेक्शन देते हैं कि अगली मीटिंग तक या उससे आगे तक कैसे कार्रवाई करनी है। इसमें इस कमेटी में कोई भी अधिकारी हमें गुमराह नहीं कर सकता, उसको एंड रिजल्ट देना ही पड़ता है। हाँ, उसको डायरेक्शन दे दी गई है कि दोनों, जबकि बाकी शिकायतों के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किए गए, जल्द से जल्द उनका समाधान करने को कहा गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जहां अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का जल्द निपटारा करने के आदेश जारी किए, तो वहीं यह भी साफ कर दिया गया कि आने वाले वक्त में एक पूरे दिन गुरुग्राम में ग्रीवेंस की बैठक चलेगी। और इस मीटिंग के जरिए कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि अधिकारी अगर लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान नहीं करते तो फिर उन पर गाज गिरना भी तय है। हालांकि इस दौरान मीटिंग में कुछ देर के लिए दो पार्टियों के बीच हंगामा भी जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जेपी दलाल ने तमाम शिकायतों को सुना और अधिकारियों को साफ संकेत दिए कि अधिकारी जिस तरह से कोताही बरत रहे हैं उन पर आने वाले वक्त में भारी भी पड़ सकती है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।